भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं जीतरेड़ी गांव और आसपास की पूरी सरदारी के चरणों में सष्टांग प्रणाम और नमन करना है। सरदारों, जैसे आप सबको मालूम है, 25 नवंबर को नगर के और राजस्थान के भाग्य का फैसला हुआ। विधानसभा का चुनाव 25 नवंबर को होगा। राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का टिकट सिंबल, जो 41 लोगों की पहली सूची आई, उस पहली सूची में आप लोगों को मिला। आपके बेटे को नामित किया कि वो नगर विधानसभा से जवाहर सिंह बेडम चुनाव लड़े। पहले ही दिन से मैं सब लोगों के संपर्क में हूँ, सब लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, व्यक्तिगत भी मुलाकात कर रहा हूँ और सामूहिक रूप से भी कहीं बैठना पड़ रहा है तो वहां भी मैं जा रहा हूँ। आप सबको ध्यान होगा, नगर विधानसभा में अब की बार जनता का मन जो बना, जनता ने जो अपने आप अंदर की आवाज जो जनता की निकली, उन लोगों की आवाज एक ही थी कि 5 साल का जो शासन रहा है, उस शासन में जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो जनता का मन बदला और मन बदल करके लोगों का सोच यहां तक आया कि जब हम जन आक्रोश यात्रा में गांव-गांव जाकर के मुद्दों को उठा रहे थे, हम 10-12-15 लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के रूप में अपनी अपेक्षा रखते थे, उन लोगों से गांव-गांव में प्रश्न किए लोगों ने कि भाई ऐसा नहीं हो कि आप 10-12-15 लोग घूम रहे कि फिर 2-2-3-3 आदमी लड़ जाए, नुकसान हो जाए संस्कृति का और फिर वही लोग सत्ता पर काबिज हो जाएं जिनकी वजह से 5 साल हमको दुख भोगने पड़े। हम सब लोगों ने चर्चा की, जहां चौपाल पे गए, किसी मंदिर पे गए, किसी देवालय पे गए, किसी धार्मिक स्थल पर गए, सब लोगों ने एक ही बात कही कि जिसको कमल का फूल मिल जाएगा हम सब लोग उसके साथ रहेंगे। सब जगह ईमान धर्म उठाए, चर्चा की है और जनता भी, अब कोई जो व्यक्ति कोई भी हो जो कमल के फूल के खिलाफ वोट मांगने गांवों में जाता है तो जनता प्रश्न करती है कि आप लोगों ने धर्म उठाया, आप लोगों ने आश्वासन दिया, आप लोगों ने चर्चा करी और उसके बावजूद कमल के फूल के खिलाफ कोई व्यक्ति गांव में आएगा तो उसकी बात हम नहीं सुनेंगे। इस तरह की चर्चाएं गांव में हो रही हैं। मैं तो इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं आपके बीच, मुझे 28 साल इस राजनीतिक जीवन में हो गए, पंचायत समिति सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य, सरकार में मंत्री का दर्जा मेरे पास था। आप सब लोग कहीं न कहीं जाकर के मेरे से किसी न किसी मौके पर मिले, कोई शादी में मिला है, कोई ब्याह में मिला है, कोई गमी में मिला है, कोई खुशी में मिला है, कोई सरकारी काम से मिला। जीवन में मेरे मन से, कर्म से, वचन से, मेरे शरीर से जो सेवा मेरे पर बन पड़ी है वो सबकी सेवा मैंने करी है और अब मैं इतना वचन दूंगा आपके बीच में कि आप अपने बेटे पर आशीर्वाद बना के रखो, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है मैं नेता नहीं, नगर की जनता का बेटा बन के काम करूंगा। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा तो इतना ही संकल्प लेता हूं कि ये चेतक कभी नो नहीं लेगा, आपके मान सम्मान पर कोई यहां चाहेगी तो जवाहर सिंह बेडम कुर्बान हो जाएगा, सम्मान पर किसी भी प्रकार की संकट नहीं आने दिया जाएगा। आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, किसान का बेटा हूं सब लोग समझते हैं, नातेदारियां रिश्तेदारियां भी हैं, लेकिन चुनाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और फिर जीतरेड़ी जैसे भामाशाह हमारे बीच में हैं जिन्होंने आते ही डीजल पानी की सब व्यवस्था की है, आगे भी उम्मीद है। आप सब लोग, हर व्यक्ति अपनी उंगली लगाएगा तो गोवर्धन गिरधारी निश्चित रूप से उठेगा और हम सब लोग सफल होंगे। स्वागत किया, सम्मान किया, इसका हृदय से आभारी और ईश्वर से प्रार्थना कि ईश्वर इन लोगों की चरणों की धूल को माथे से लगाकर इनकी सेवा कर सकूं
ऐसी शक्ति मेरे पर प्रदान करना। जय हिंद, जय भारत।